बाहर निकलेगी और क्या राजवाड़ा को हम किस तरीके से जो हमारा अभी चल रहा है सुपर कॉरिडोर और पूरा MR10 रेडिसन चौराहा, फिर बंगाली आ रहा है रिंग रोड से होते हुए, बंगाली से पलासिया होते हुए पलासिया चौराहा क्रॉस करेगा, ये पूरा ओवरग्राउंड चल रहा है। पलासिया चौराहे के आगे जाकर के अंडरग्राउंड होगा वो, और रीगल पे जो SP ऑफिस, DIG ऑफिस है उस वहाँ पर उसका एक स्टेशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, बनाएंगे, स्टेशन भी अंडरग्राउंड रहेगा वो। जो रीगल ब्रिज है वो भी अंडरग्राउंड क्रॉस करते हुए थोड़ा उसको हल्का सा शिफ्ट किया है, MG रोड से थोड़ा शिफ्ट करके दूसरी गैप देते हुए MG रोड से अंडरग्राउंड मूव करेंगे। नगर निगम के पास में एक फिर से दूसरा स्टेशन रहेगा जो अंडरग्राउंड रहेगा। उसके बाद जो कान नदी है उसके नीचे से ले जाते हुए राजवाड़ा से 250 मीटर दूरी से अंडरग्राउंड जाएगा, जो बलहारगंज थाने के पास में छोटे गणपति मंदिर है वहाँ पर एक स्टेशन बना रहे हैं बगीचों में, वहाँ भी किसी प्रकार का कोई शिफ्टिंग या कोई ऐसा डिमोलिशन नहीं रिक्वायर्ड है। उसके बाद बड़ा गणपति पे जो वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का जो खाली ज़मीन पड़ी है वहाँ एक स्टेशन आएगा अंडरग्राउंड, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे भी हम लोगों को अंडरग्राउंड अलाइनमेंट देना है वहाँ की टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के अनुसार, इसलिए पूरा ही फिर कलानी नगर, रामचंद्र नगर, कलानी नगर और आगे तक पूरा अंडरग्राउंड मूव करके उसको रेलवे स्टेशन तक अंडरग्राउंड ले गए हैं, सॉरी एयरपोर्ट तक। एयरपोर्ट के बाद फिर उसको उठा करके और बाहर निकलेगी, ओवरग्राउंड होगी और पहला जो स्टेशन हमारा पड़ेगा वो गांधीनगर वाला पड़ेगा जो सुपर कॉरिडोर के प्रारंभ में है। इस अलाइनमेंट के बारे में पूरा हम लोगों ने आज बतलाया सम्मानित जनप्रतिनिधिगणों को और जो क्वेश्चंस थे उसका जवाब दिया, और ओवरऑल सभी संतुष्ट हुए उस अलाइनमेंट से। सहमति है सर सभी? हाँ, अभी तो आज सभी की सहमति हम लोग को मिली है उसमें, उसी में अब सॉइल टेस्टिंग वगैरह हम लोग आगे करेंगे, डिटेल इन्वेस्टिगेशन।